आप सभी का स्वागत है। आज मुंबई अंधेरी के क्रिसेंट टावर के इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में ऑनलाइन पढ़ाई पर बनी शॉर्ट मूवी के प्रीमियर शो का प्रमोशन किया गया और पवित्र समय न्यूज के 12वें वार्षिक दिवस को भी मनाया गया। ऑनलाइन पढ़ाई मूवी बहुत ही जल्द आप सभी के बीच होगा। ये मूवी तो सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन इसे बहुत ही शानदार तरीके से आज के माहौल को देखते हुए दर्शाया गया है। मुंबई से रफीक मंसूरी के साथ सिराज मंसूरी की खास रिपोर्ट। प्रोड्यूसर यहाँ पे मुकेश पंचोली जी, वास्तव में आपने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और मैं फिर एक बार कहूँगा कि दर्शकों की तरफ से आपको हमने इस तरह की और फिल्म प्रोड्यूस करें, मेरे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कैसा लग रहा है 11 अवार्ड आपको फिल्म मिला है और बता रहे हैं शोरी सारंगे जी मतलब और दो चार अवार्ड मेरी फिल्म में जा रही है, उसको मैं चाहूँगा दर्शकों के माध्यम से दुआई रहेगी आपको अवार्ड और मिले। राजकुमार जी, ऐसा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने सामाजिक मुद्दा उठाया और समाज को जो जागरूक रहने की जो फिल्म का निर्माण किया सत्य है, तो मुझे ऐसा लगा कि समाज को संदेश देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे किसी के घर पे तो अपने को ये प्रॉब्लम हो सकता है जी सर। ये मतलब ये अभी देखने के बाद और जैसे 11 अवार्ड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अपनी जो सफर मेहनत है ना अच्छे से सफल हो रहा है। हमारे भारतीय नागरिक में जागरूकता आने के लिए फिल्म बनाते, उसमें से ये जो टीम है पवित्र समय और ये जो प्रोडक्शन टीम है, इन्होंने अच्छी कोशिश की है। मोबाइल कितना जैसे हम बोलते हैं करके, क्या मराठी में हम बोलते हैं विज्ञान शाप की वरदा, यानी साइंस अच्छा है या बुरा है, साइंस के दो बाजू होते हैं, एक अच्छा काम भी करवाता है और बुरा काम भी करता है। तो मोबाइल से कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, बट मिडिल क्लास में जो प्रभाव है, दुष्परिणाम, ये तुरंत दिखाई देता है करके क्या। डैडी, हमने फिल्म में देखा कि 20,000 का मोबाइल लेने के लिए वो दुकान में जाता तो उसको देखना पड़ता है करके कितना महंगा है, मेरी उतनी सैलरी नहीं है। उसके बावजूद तो मिडिल क्लास के डैडी उनके लिए बच्चों के लिए मोबाइल लाके देता है। फिर उसके लिए उसी दरमियान फोन आता है स्कूल से कि मतलब बच्चों को फीस भरनी है और अगर एक अगर फीस नहीं भरी गई हाँ, वो तो बच्चे स्कूल निकल जाएगा। वो एक छोटा सा संदेश दे